हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में अगेन हम सीख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 प्रोबेबिलिटी संभावना। ऑलरेडी इस चैप्टर के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उसके बाद भी मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि चैप्टर के और सम सॉल्व कराइए, तो आज के इस वीडियो में और मैं हो सके उतने सम सॉल्व कराने वाला हूं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और मैं चाहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो सके। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज कौन से टॉपिक सीखने वाले, तो जो मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप के सम सॉल्व करना सीखेंगे। ऑलरेडी जो प्रीवियस 2 वीडियो में मैंने जो सम सॉल्व कराए थे, जो फॉर्मूले बेस्ड पर सम्स थे, वो मैंने सॉल्व कराए थे, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बात करता हूं आज के इस वीडियो की, तो मैं स्टार्ट करने वाला हूं जो मोस्ट ऑफ सम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसमें बहुत सारे टाइप के सम्स आपको पता ही होगा। तो मैं लेने वाला क्वेश्चन नंबर 54 का न्यू बुक है, 54 जो 2014 के सम्स है, 2014 के सम्स है, जिसमें मैं लेने वाला जो टिपिकल टाइप के सम्स होते हैं इसका 20 सॉल्व कराना सिखाने वाला, इस टाइप के सम्स एग्जाम में जो भी पूछे जाते हैं। तो पहले सम्स में रीड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सम्स में लिखा गया है, देयर आर 5 ब्लैक एंड 4 रेड बॉल्स इन द फर्स्ट बैग। पहला बैग है जिसमें 5 ब्लैक बॉल है और 4 रेड बॉल है। आगे लिखा है 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल इन द सेकेंड बैग। दूसरे बैग के अंदर 4 ब्लैक है और 6 रेड है। अब करना क्या हमें, अब बैग इज सिलेक्टेड एट द रैंडम एंड फ्रॉम द बैग 2 बॉल आर ड्रॉन एट द रैंडम। बोला गया हमको रैंडमली एक बैग सिलेक्ट करना है, उसमें से 2 बॉल लेनी है, राइट। वो बॉल किस टाइप की होनी चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ब्लैक। दोनों बॉल कौन से रंग की होनी चाहिए, ब्लैक रंग की होनी चाहिए। तो देखिए सॉल्व कैसे होगा। वीडियो पसंद है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 54, यूसीडी 2014 का है, इसका 20 सॉल्व करने जा रहा हूं मैं, ओके। तो पहले देखिए फर्स्ट बैग, यहाँ 2 बैग की बात की थी, फर्स्ट बैग और सेकेंड बैग। दोनों बैग में बॉल देखिए कौन कौन से रंग की, कितनी है, ब्लैक है 5 और रेड है 4। फर्स्ट के अंदर ब्लैक बॉल 5 और रेड बॉल है 4। वहीं पे सेकंड के अंदर बात करता हूं मैं, तो 4 ब्लैक और 6 रेड है, ब्लैक 4 रेड है 6। अब सिलेक्ट कितनी बॉल करनी है, 2 बॉल, वो भी कौन से रंग की करनी चाहिए, ब्लैक, ओके। तो देखिए सॉल्यूशन में बहुत शॉर्टकट ट्रिक से आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन की बात करूंगा मैं, क्या करना है हमको, लॉन्ग में लिखूंगा नहीं थियोरिकल टॉपिक। क्या 2 बैग है, तो पहले एक बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की, उसके बाद उस बैग में से कौन सी बॉल चाहिए, ब्लैक रंग की चाहिए। तो दोनों के अंदर ब्लैक रंग की बॉल है, तो डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं। तो पहला फर्स्ट बैग हम सिलेक्ट करेंगे, तो फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2, क्योंकि 2 बैग है, 2 बैग में से एक बैग सिलेक्ट किया तो 1/2। और पहला बैग सिलेक्ट किया और बॉल कौन सी सिलेक्ट करेंगे, ब्लैक की, तो इनटू आएगा, और 5 ब्लैक में से कितनी चाहिए, 2 ब्लैक चाहिए, राइट। तो 5c2, 5 में से 2 ब्लैक, अपॉन में का टोटल, उस बैग में टोटल कितनी थी, 5 एंड 4 9, 9c2। ये हो गया फर्स्ट बैग सिलेक्ट करना, उसमें से कौन सी बॉल, ब्लैक बॉल। आप लिख सकते हो कि फर्स्ट ब्लैक सिलेक्ट करना और बॉल होगी वो ब्लैक रंग की होगी। बात करते हैं सेकंड ब्लैक ऑप्शन है, तो प्लस करना है कि सेकंड बैग सिलेक्ट किया जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी होगी 1/2, क्योंकि बैग तो एक ही है ना, भले दूसरे नंबर का है तो 1/2 ही होगा। इन टू में, अब उसमें से ब्लैक बॉल सिलेक्ट करेंगे, तो ब्लैक कितनी है इसमें, 4 है, तो 4c2, क्योंकि सिलेक्ट दो ही करनी है, 4c2 अपॉन में यहां पे टोटल कितनी है, 10, 10c2। अभी हो गया सॉल्यूशन, अब इसको सॉल्व ही करना है, राइट है। तो 1/2 का तो 1/2 ही होगा। 5c2 का सॉल्यूशन हम जानते हैं, सीखा कैसे करना, 5 × 4/2 10 हो जाएगा। 9c2, 9 × 8/2 36 प्लस या सेकेंड 1/2 तो सॉल्यूशन ही है, 4 × 3/2 आ जाएगा 6। 10c2 का 10 × 9/2 45। अब सॉल्यूशन यहाँ पे क्रॉस पे डायरेक्टली इंटू कर देना, तो यहाँ 10, 36 × 2 करेंगे 72, प्लस यहाँ पे होगा 6 और अपन में आएगा 90। अब क्या करना है, एलसीएम की जो डायरेक्ट पॉइंट में आंसर लिख सकते हो, राइट। तो हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देते, तो 10/72 कर देंगे, तो पॉइंट में 0.1388 आ रहा है, तो 9 कर देंगे, 4 डिजिट में लिखना है, प्लस 6/90 तो 0.0667 कर देंगे, और फाइनल दोनों को प्लस कर देंगे, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 0.2056।
ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, एक बैग सिलेक्ट करने का और दो बॉल कौन से रंग की होनी चाहिए, ब्लैक की, ये हो गया सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आएगा। तो और सम सॉल्व करते, तो और खास सम्स में सॉल्व कराऊंगा मैं लेने वाला क्वेश्चन नंबर 53 जो 2013 का है, 2013 का, उसमें से मैं सॉल्व कराने वाला हूँ बॉल टाइप के सम से, वही सॉल्व कराऊंगा एफ, एफ में लिखा हुआ है बॉल टाइप के सम से। तो रीड करता हूं मैं अगेन, तो लिखा गया है 5 व्हाइट फॉर रेड 3 ब्लैक बॉल, यहाँ पे बॉल तीन टाइप की है, व्हाइट है 5, रेड है 4 और ब्लैक है 3। अब क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और कितनी बॉल लेनी है, कौन से रंग की, 3 बॉल आर ड्रोन एट रैंडम, 3 बॉल सिलेक्ट करनी है और कौन सी प्रोबेबिलिटी 1 और 2 या 2 सम से। तो पहला क्या बोला गया है, ऑल आर ब्लैक बॉल, सभी ब्लैक रंग की होनी चाहिए, तीनों की तीनों ब्लैक। या सेकंड क्या पूछा गया, ऑल आर ऑफ डिफरेंट कलर बॉल, तीनों तीनों अलग अलग रंग की चाहिए। तो देखिए सॉल्व कैसे करना है, तो यहां पर अगेन मैं ले रहा हूं 53 और ये यूजुअली 2013 का सम्स है, इसका मैं सॉल्व कर रहा हूं एफ। यहां बॉल दी गई थी व्हाइट बॉल है 5, रेड बॉल है 4, ब्लैक बॉल है 3, सिलेक्ट कितनी करनी है हमको, 3 बॉल सिलेक्ट करनी, राइट ना। तो फर्स्ट में क्या कह रहा, सारी की सारी बॉल्स कैसी होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए, और आर ब्लैक बॉल्स, तो तीनों तीन सिलेक्ट किस में से करनी है, ब्लैक में से। तो ब्लैक या टोटल कितनी है, 3, तो 3 में से 3 सिलेक्ट करेंगे, राइट ना। अपॉन में आता है टोटल, ऑलवेज 5 + 4 + 3, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 12 c 3। तो सॉल्यूशन करेंगे 3 c 3 का तो 1 ही आ जाएगा, पूरा टोटल कट हो जाएगा, और 12 c 3 मतलब 12 × 11 × 10 / 3 = 2 1, उसका टोटल 12 c 3 का सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन आएगा 220। इसको पॉइंट में करेंगे तो 0 + 0 बहुत लॉन्ग आएगा, तो उसको यहीं पे अपॉन में छोड़ देंगे, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। सेकंड एक और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने को कहा गया था, ऑल आर ऑफ डिफरेंट कलर, तीनों तीनों कौन से रंग की होनी चाहिए, डिफरेंट कलर की होनी चाहिए, सेम कलर नहीं बोला गया, सुनना ध्यान से, दो अलग बात होती है, यहां बोला गया डिफरेंट, डिफरेंट कलर की होनी चाहिए, सारी बॉल डिफरेंट चाहिए, तीन बॉल चाहिए, तीनों तीन कैसे होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। तो अपने 1-1 सिलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे तीन टाइप की बॉल है, तो एक बॉल लेंगे व्हाइट रंग की और एक बॉल लेंगे रेड, एक लेंगे ब्लैक, एक एक सिलेक्ट करेंगे, राइट ना। तो 5 में से एक और इंटू आएगा क्योंकि ऑप्शन नहीं, कंपल्सरी, क्योंकि एक बॉल और चाहिए हमको। तो यहाँ 4 में से एक लेंगे रेड, अब ब्लैक में से एक लेंगे 3 में से 1, 5c1 × 4c1 × 3c1, अपॉन में टोटल कितनी है 12 c 3 लिखना रहेगा, क्यों, तीन बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं, बहुत इजी है। 5c1 का 5 आ जाएगा, 4c1 का 4, 3c1 का 3 और 12c3 का सॉल्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं 220। तो ऊपर इंटू कर देंगे 5, 4 and 3, तो इंटू करने पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा हमारा कुछ 60 आ जाएगा, डिवाइड में 220। अब इसको पॉइंट में करना है तो पॉइंट में लीजिए, होना यहीं पे रखना है, यहीं पे रखिए, हमारा हो गया सॉल्यूशन। एक और सम्स लेते हैं, वीडियो लॉन्ग हो रहा है बट मैं चाहता हूँ ये कंप्लीट हो जाए इसके लिए। तो एक और सम्स मोस्ट IMp सम्स में सॉल्व कराने वाला हूँ 2012 का, ओके मैं सॉल्व करा रहा हूँ इसका बी, 2012 का बी, यहाँ न्यू बुक में 52 है, बहुत IMp मोस्ट ऑफ IMp सम्स है। There are 7 red and some white balls. यहाँ missing ball find out करना है, यहाँ पे balls missing find out करना, already probability given होगी और उसमें से हमको missing find out करना है। तो 7 red है और some white ball in a box. Probability of selection of 2 white, दो ball, वो भी कौन से रंग की, वाइट की, सिलेक्ट करने की probability दी है 1/15। तो आपको find out क्या करना है, number of white ball, बहुत most IMp sums से इस type का कि number of ball find out करना रहेगा वो, तो ध्यान से सीखिएगा। तो सम्स के अंदर सबसे मोस्ट टॉपिक जो ध्यान रखने की बात है 2012 का सम्स है और का बी है। तो डायरेक्टली मैं लिखता हूं कौन सी प्रोबेबिलिटी दी गई है, 2 व्हाइट बॉल, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है 1/15। तो देखिए क्या करना है सम्स में, तो याद रखिएगा व्हाइट बॉल तो यहां पर है ही नहीं, व्हाइट बॉल ही मिसिंग है, तो व्हाइट बॉल फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो ऊपर आपको एम अपन एन, ये आपका फॉर्मूला होता है सिंपल सा है, ओके पी ए इज इक्वल टू, तो प्रोबेबिलिटी का आंसर ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 1/15 इज इक्वल, एम मीन्स जो हमको बॉल सिलेक्ट करनी है कौन सी, वाइट, और वाइट है नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, वाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एक्स हो जाएगा, एज्यूम करेंगे। तो एक्स में से कितनी बॉल चाहिए, दो बॉल चाहिए, एक्स सी
टू, एक्स सी टू हो जाएगा। अपॉन में क्या होता है, ऑलवेज टोटल होता है। तो दूसरी बॉल कौन से रन की थी, रेड रन की थी, वो भी कितनी बॉल थी, सेवन थी। रेड इज इक्वल टू सेवन, टू टोटल कितना हो गया, सेवन प्लस एक्स हो जाएगा। तो सेवन प्लस एक्स, उसमें से कितनी बॉल चाहिए, दो बॉल चाहिए। ये मेन टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए, एक्स सी टू कैसे किया गया, सेवन प्लस एक्स सी टू कैसे किया गया। अब सॉल्यूशन ही करना है इसका, तो वन बाई फिफ्टी तो सेम टू सेम लिख दें। एक्स सी टू क्या करना रहेगा, तो पहले एक्स का एक्स वैल्यू आएगा और एक वैल्यू क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। जैसे कि अगर फाइव सी टू लिखा है तो पहला फाइव होता है, दूसरा फोर होता है, मतलब फाइव माइनस वन। तो ऐसे पहला एक्स रहेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन। अपन में टू इंटू वन आएगा, लेकिन टू इंटू वन अपन वाला कट हो जाएगा, इसलिए नहीं लिख रहे हम यहाँ। सेवन प्लस एक्स, तो पहला तो वही आएगा सेवन प्लस एक्स। सेकेंड क्या होगा, सेवन में से वन माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिक्स प्लस एक्स। ये सॉल्यूशन हो गया सेवन प्लस एक्स सी टू का। अब क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये जो दोनों है अपॉन में, ये वन के इंटू में चला जाएगा, तो सेम टू सेम इस साइड आ जाएगा, सेवन प्लस एक्स और सिक्स प्लस एक्स इज इक्वल, यहाँ फिफ्टीन आ जाएगा यहाँ पर इंटू में, तो यहाँ फिफ्टीन एक्स और एक्स माइनस वन हो जाएगा। और सॉल्यूशन ही करना है, आप मल्टीप्लीकेशन दोनों ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो सेवन का पूरा इंटू करेंगे तो सेवन का सिक्स से करेंगे तो फोर्टी टू, सेवन का एक्स से करेंगे तो सेवन एक्स, अब x का करेंगे 6 से तो 6x, और x का x करेंगे तो एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 15x का इंटू करेंगे ब्रैकेट से, तो 15x का x करेंगे 15x स्क्वायर, माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 15x। अब क्या करना, पूरा एक कर देना, एक साइड कर देना, तो 15x स्क्वायर हाईएस्ट है, तो सारे के सारे वैल्यू यहाँ पे ले आएंगे, और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के पास ले आने का, x को x के पास ले आने का, राइट ना। तो फर्स्ट 15x स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, राइट। ऑलरेडी यहाँ का माइनस फिफ्टीन एक्स है, यहाँ का सेवन एक्स और सिक्स एक्स कितना हो जाएगा, टोटल थर्टीन एक्स हो जाएगा। तो प्लस का तो इससे आएगा माइनस में थर्टीन एक्स, और लास्ट फोर्टी टू डिजिट है, प्लस का तो यहाँ का आ जाएगा माइनस में, और इक्वल जीरो लिख देना है, पूरा वन साइड कर दिया। तो फिफ्टीन एक्स स्क्वायर में से वन एक्स स्क्वायर जाएगा तो फोर्टीन एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस फिफ्टीन एक्स और माइनस थर्टीन एक्स, तो दोनों माइनस में प्लस हो जाएगा ट्वेंटी एट एक्स, माइनस फोर्टी टू सेम टू सेम। अब इनका हमको फैक्टोरियल करना है, तो उससे पहले कॉमन हो रहा है तो कॉमन निकाल लीजिए, तो कॉमन 14 जा रहा है, राइट ना, या 14 वन टाइम तो एक्स स्क्वायर, या 14 टू टाइम 2x, या 14 थ्री टाइम तो 3 इज इक्वल टू जीरो, 14 कॉमन निकाला है। अब हमको क्या करना है, फैक्टोरियल की तीन का ऐसा करो कि माइनस करने पर कितना है, दो आना चाहिए। तीन का फैक्टोरियल करना है, फैक्टर करना है कि माइनस करने पर कितना है, दो, तो 3 इंटू 1 की इंटू करने पर 3 आता है और माइनस करने पर 2 आता है, राइट ना। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि ये पहला डिजिट कौन सा है, माइनस का है, तो पहले जो बड़ा डिजिट है x माइनस 3 आएगा, दूसरा माइनस करने पर चाहिए तो सेकंड के लिए क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ माइनस का 3 यहाँ प्लस में हो जाएगा, लेकिन प्लस का 1 माइनस में हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो जो वाइट बॉल मिसिंग थी, जो वाइट बॉल इज इक्वल टू एक्स माना था मिसिंग, तो वो वैल्यू को क्या फाइंड आउट हो गया, यहाँ पर 3 फाइंड आउट हो गया, राइट ना। तो वाइट बॉल कितने होगी यहाँ पर, वाइट बॉल इज इक्वल टू 3। ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ मोस्ट आईएमपी सम्स। इस टाइप के और सम्स बहुत है, तो आप चाहिए तो इस टाइप के और इल्यूस्ट्रेशन दिए गए वो चेकआउट जरूर कीजिएगा, जिस टाइप के सम्स एक्सप्लेन किए हैं वो जरूर देखिएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो पसंद में आया तो उसे जरूर लाइक कीजिए, मैं चाहूंगा आप शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे हम जल्दी 1 की कंप्लीट हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।